आपके अपने YouTube चैनल डीटी रूबलर्स ब्लॉग्स पर। तो आज एक फिर धमाकेदार मजेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ जो हर एक दिल्ली वाले को बहुत पसंद है, दिल्ली के हर एक चौराहे पे आपको खाने को मिल जाएगी, जो कि है राम लड्डू। तो कैसे बनाएंगे ये स्टार्ट करने से पहले, अब आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पर, और यूट्यूब पे मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट बनाना। तो राम लड्डू बनाने के लिए मैंने लिए ये तीन दालें, ये है मूंग की दाल, ये है उड़द की दाल और ये है चने की दाल। चने की दाल थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में जाती है, मूंग की दाल उससे थोड़ी कम और उड़द की दाल उससे भी कम। तो ये करीबन तीन चम्मच ये होगी, चार से पांच चम्मच मूंग की दाल होगी और ये होगी। इन तीनों को हम एक साथ अच्छे से धोके, जब तक इसका पाउडर, जैसे देखिए आप मेरे हाथ में आ रहा है, जब तक इन दालों से पाउडर नहीं हट जाता और पानी क्लियर नहीं हो जाता, तब तक हम इनको अच्छे से वॉश करेंगे और इसको हम छह से आठ घंटे के लिए भिगो देते हैं। तो ये देखिए मैंने ये दाल अच्छे से भिगो के तैयार कर लिया, अच्छे से मेरी फूल चुकी हैं तीनों दालें ही। तो चलिए अब मिक्सी में इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा पानी का यूज जितना हो सके उतना कम कीजिएगा, पानी ज्यादा मत डालिएगा इसमें। तो इसको ग्राइंड कर लेती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये दाल हमने पीस ली है, देखिए आप बहुत अच्छे से बारीक पीस लिया और बहुत कम पानी का मेरे को यूज करना पड़ा है इसमें। मात्र ये समझ लीजिए कि मैंने सिर्फ चार से पांच चम्मच पानी का यूज किया है। तो ये देखिए दाल मेरी अच्छी गाढ़ी है। अब हमें इसे इतना फेंटना है कि जब तक इसकी ये हल्की ना हो जाए दाल। चलिए दाल को अच्छे से फेंट लेते हैं और इसकी चटनी की भी तैयारी करते हैं। ये मैंने लिया है जार, जार के अंदर मैंने लिया है धनिया पत्ता। धनिया पत्ते के साथ में ही मैं ये मूली के पत्ते हैं ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी। साथ ही साथ डालूंगी दो हरी मिर्चें। खटास के लिए मैं यूज कर रही हूं कच्ची अमिया का। ये एक इंच अदरक का टुकड़ा है जो मैं डालूंगी इसके अंदर। ये डाल रही हूं मैं हींग, ये काला नमक, और हल्का सा हम डालेंगे सफेद नमक, और साथ ही साथ डाल रही हूं मैं जीरा। अगर आपके पास अम्बी अवेलेबल ना हो तो आप नींबू के रस का भी उपयोग कर सकते हैं। और अब हम इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। तो ये चटनी हमने पीस के तैयार कर ली है। तो चलिए अब क्या करेंगे, हम दाल को जो हमने फेंटी थी हम देख लेते हैं कि वो कितनी हद तक तैयार हो चुकी है। इसे फेंटते हुए हमें कम से कम पांच से सात मिनट हो गए हैं। कलर भी आप देख सकते हैं इसका चेंज हो गया है और ये हल्की भी काफी हो गई है दाल। आप हाथ से भी फेंट सकते हैं, मैं विस्कर की सहायता से फेंट रही हूं। अब इसकी पहचान कैसे हो कि दाल हमारी तैयार हो चुकी है, हमें क्या करना है, एक कप में लेना है पानी और कहीं से भी दाल उठा के एक छोटी सी पकौड़ी इसमें डाल के देखनी है। ये देखिए ये ऊपर आ गई, इसका मतलब ये है कि हमारी दाल तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब क्या करना है वो आपको हम आगे बताते हैं। जैसे कि दाल तैयार हो चुकी है, अब हम इसमें डालेंगे अपनी ये जो हमने चटनी पीसी थी, ये दो से तीन चम्मच चटनी इसके अंदर ट्रांसफर करेंगे एक यूनिक से फ्लेवर के लिए। और साथ ही साथ डालेंगे हम इसके अंदर नमक, नमक डालेंगे हम स्वाद के अकॉर्डिंग। और अब हम इसे एक बार फिर से फेंट लेंगे। तेल हमारा गरम हो चुका है, अब हम जो ये पकौड़ियां हमने जो घोल तैयार किया था उससे छोटी छोटी पकौड़ियां हम बना के इसमें डालते जाएंगे और हमें इसे गोल्डन फ्राई करना है। तो ये हमारी फ्राई हो चुकी हैं, इन्हें हम ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं। और इसकी करेंगे हम प्लेटिंग, और आज प्लेटिंग की वीडियो आपके साथ शेयर होगी, इसको कैसे खाया जाता है ये भी आपको बताया जाएगा। हो गई है हमारी पकौड़ियां तैयार, तो आज आपके सामने ही करते हैं हम प्लेटिंग। तरीका है वो भी बड़ा बेहतरीन सा है। आप अगर मीठी चटनी पसंद करते हैं तो जरूर यूज कीजिएगा, मुझे थोड़ी नहीं पसंद है तो मैं नहीं खाती हूँ। इसको खाने का तरीका है, पकौड़ी उठाई, पहले तो पकौड़ियां देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है, ये देखिए कितनी सॉफ्ट है पकौड़ियां, ये देखिए।
और खाने का तरीका ये है, थोड़ी सी मूली और ये चटनी। अब आधी खा के क्या फायदा, पूरी खा लेते हैं। मजा आ गया। लेकिन आप तो फिलहाल महरूम रहेंगे, तो रेसिपी पूरी देख ली है आपने, दाल भिगोएंगे, बनाएंगे, खाएंगे तभी एंजॉय कर पाएंगे। तो चलिए जल्दी से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए और बताइए मुझे स्वाद आपको कैसा लग रहा है। बाकी चैनल पर नए हैं, विजिट किया है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए ज्यादा ज्यादा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन के साथ में ऑल का ऑप्शन आएगा उसे याद से दबाइएगा और मेरी नेक्स्ट वीडियो को इंतजार करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय। Don't you get alive and leave the play behind, and I can't be with